गाइज वेलकम टू स्टेडियम ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो जर्नली एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज टैलेंट एक्विजिशन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो एक क्रूशल रोल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसके अंदर वो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं एंड उनको रिक्रूट करवाते हैं। वो कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड जब भी हम टैलेंट को एक्विजिशन करेंगे यानी कि जब भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे एज पर देयर टैलेंट एंड उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो हम उन एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना चाहेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ का काम कर सकें, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ असेट बन सके एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने में हमारी हेल्प करा सके। नाउ इसके अंदर बाय डेवलपिंग इफेक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज HRM हेल्प्स टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक्सेस टू द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल इन द मार्केट। अब जो भी हमें रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, जो भी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हमें बनानी पड़ती हैं, इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो ये चीज़ मतलब ये चीज़ करवाता है, हेल्प करते हैं, जिससे ये चीज़ को इंश्योरेंस मिलती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक्सेस है बेस्ट टैलेंट का जितना भी हमारी मार्केट में अवेलेबल है। सेकेंड वन इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं वो डेवलप करवाने में एंड ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करवाने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर बेसिकली अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराया जाता है जो हमारे एम्प्लॉयज़ की हेल्प करते हैं उनकी स्किल को इन्हांस करने में एंड उनकी नॉलेज को बढ़ाने में। इसके अंदर अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल इन्हांस होगी, उनकी नॉलेज अपग्रेड होगी, तो जिससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो जॉब्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे यानी कि एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली अपनी जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे। इससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या मिलता है, बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्प्रूव होती है एंड अपग्रेड हो जाती है, उनको अच्छी प्रोडक्टिविटी वो जनरेट कर पाते हैं जिसके टर्न में जो बिज़नेस होती है वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर पाती है। नाउ द थर्ड वन इज़ एम्प्लॉय इंगेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय इंगेजमेंट में भी फोकस करता है यानी कि बेसिकली वो एम्प्लॉय इंगेजमेंट को प्रमोट करते हैं एंड मोटिवेट करते हैं उनको, ताकि वो एक अच्छा पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को जनरेट कर सकें, करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकें एंड गुड परफॉर्मेंस को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकें, जिससे क्या करेगा बेसिकली एम्प्लॉय को इंगेज करके रखते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉय का मोरल होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं एंड फर्दर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ईजिली अचीव होते हैं। द फोर्थ वन इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस गोल्स को सेट करने से लेकर जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ तक का काम होता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या करा जाता है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाता है कि जो भी हमने एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलर गोल्स दिए थे अचीव करने के लिए, क्या वो एम्प्लॉय ने अपने गोल्स को अचीव करा है या फिर नहीं करा, उनकी पूरी टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाता है, मेजर करा जाते हैं। इसके अंदर उन्हें क्या करा जाता है, इसके अंदर हमें फीडबैक प्रोवाइड करना पड़ता है उनको उनकी रिगार्डिंग एंड अपने एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देनी पड़ती है कि अगर एम्प्लॉयज़ के कोई गोल अचीव नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, कहाँ पर कनेक्शन जो था वो टूट गया, कहाँ पर मिस्टेक हुई, कहाँ पर अचीव नहीं हुए इनकी गोल, इसके रिगार्डिंग गाइडेंस दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। एंड जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को एंड फर्दर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है ऑफ़ द एम्प्लॉयज़, जिसके टर्न में अगर उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो जो सक्सेस होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो अपने आप ही हो जाती है। द फिफ्थ वन इज़ कॉम्प्लेंस। इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये चीज़ को इंश्योर करने में कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपाइल करती है हर एक लॉ से एंड हर एक रेगुलेशन से जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है। इसके अंदर डेवलप करी जाती है एंड इम्प्लीमेंट करी जाती है अलग अलग पॉलिसीज़ को बनाया भी जाता है और उनको लागू भी करा जाता है यानी कि इम्प्लीमेंट करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, जिससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा HRM है, वो हेल्प करता है कि जो भी लीगल लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस करवाने में हेल्प करता है। अगर हम सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो जो हमारी लीगल लाइबिलिटी होगी वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें ऐसा ही होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है रिस्क को रिड्यूस करने में यानी कि रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, जिससे जो लीगल लाइबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो अपने आप ही
कम हो जाती हैं। तो ये था हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।